गेमिंग फोन चाहिए आप लोगों को, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट बजट कैटेगरी की स्मार्टफोन जिसमें आप पबजी खेल सकते हैं अंडर 8000 टू 10000 के अराउंड। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये गेमिंग स्मार्टफोन होंगे, लेकिन नहीं, आप गलत हैं। आपको उसमें ऑल इन वन स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। आपको उसमें कैमरास इतना अच्छा देखने को मिलेगा, मैसिव बैटरी देखने को मिलेगी, प्रोसेसर एकदम धमाकेदार देखने को मिलने वाला है, सब कुछ एकदम एडवांस टाइप का आपको उसमें देखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो को इन तक देख लिए तब आप एक अच्छा स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? तो आओ जा अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी की? बहुत तेज हो रहा है। पहले नंबर का जो स्मार्टफोन है वो रेडमी की तरफ से निकल के आता है, जो कि काफी प्रीमियम डिजाइन के साथ में आने वाला स्मार्टफोन है। कैमरास की बात करें तो कैमरा बहुत ही अच्छे दिए गए हैं। आपको उसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, जिसमें सोनी का सेंसर यूज करा गया है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो आपको 6.3 इंच की फुल HD प्लस एक IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आता है, और उसी वाटर ड्रॉप नॉच में आपको 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिलता है। आपको इसमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ में 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर। अगर आप इस स्मार्टफोन को नॉर्मली यूज करेंगे तो ये स्मार्टफोन आपको एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगा। अगर आप इसमें गेमिंग करेंगे तो आपको हाफ डे में ये स्मार्टफोन डिस्चार्ज हो जाएगा। तो मैं जैसा कि आपको बताया था कि ये पबजी स्मार्टफोन है, तो देख सकते हैं कितना स्मूथनेस से पबजी मोबाइल इसमें चल रहा है। मैं इसको अल्ट्रा फ्रेम रेट पे चला रहा हूँ इस समय, और आपको इस स्मार्टफोन में प्रोसेसर काफी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। आपको इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का एक अच्छा चिपसेट देखने को मिलता है, जिसमें कि आप पबजी हाई रिफ्रेश रेट तक आराम से खेल सकते हो। और इस समय मेरे पास 464GB वाला वेरिएंट है, जो कि आपको अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा 9999 का। और जो हमारे सेकंड नंबर का स्मार्टफोन है रियलमी की तरफ से निकल के आता है रियलमी नार्जो 10। इसकी थोड़ी सी प्राइस बढ़ गई है 4GB 128GB वाला वेरिएंट की। आपको ये 11999 का देखने को मिलेगा। कैमरास की अगर बात करें तो आपको इसमें 48MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा कैमरा क्वालिटी निकाल के देने वाला है स्मार्टफोन। और आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ में 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर, जो कि आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा। डिस्प्ले में आपको 6.5 इंच की मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन देखने को मिलेगी, जो कि IPS LCD पैनल के साथ में आएगा, और आपको उसमें फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देने वाले हैं। और इसका प्रोसेसर आपको वर्ल्ड में पहली बार इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है, जो कि होगा मीडियाटेक हीलियो G80। ये गेमिंग प्रोसेसर है, और आपको उसमें अल्ट्रा फ्रेम रेट आप एक्सट्रीम लेवल तक आप उसमें पबजी प्ले कर सकते हो। और जो हमारा थर्ड नंबर का स्मार्टफोन है वीवो की तरफ से निकल के आता है वीवो U20। काफी बेहतरीन डिवाइस है और हाल ही में लॉन्च हुआ है। आपको उसमें 6.53 इंच की फुल HD प्लस रेजुलेशन वाली एक AMOLED स्क्रीन दी गई है। लोग आपको इसमें UFS 2.1 का सपोर्ट, जो कि आपको पबजी खेलने में हेल्प करेगा, और साथ में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 का एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिससे कि आपका पबजी गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो काफी स्मूथ हो जाएगा। कैमरास की अगर बात करें तो आपको इसमें ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप दिया गया है 8MP 16MP 2MP, और आपको इसमें सोनी IMX 499 का भी सेंसर देखने को मिलने वाला है, जिससे कि आप कमाल की फोटो और वीडियो कैप्चर कर सकते हो। और आपको इस स्मार्टफोन में मैसिव बैटरी देखने को मिलेगी, 5000 mAh की बैटरी को मिलती है, साथ में आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिलने वाला है इसके बॉक्स के अंदर, जिससे कि आपका बैटरी बैकअप काफी अच्छा देखने को मिलेगा Vivo U20 में। और जो हमारा फोर्थ नंबर का स्मार्टफोन है Realme की तरफ से निकल के आता है Realme 3, जो कि काफी बेहतरीन डिवाइस है, और आपको उसमें MediaTek Helio P70 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 7 नैनोमीटर पे आता है, और प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा इसमें प्रोसेसर दिया गया है, और आपको उसमें गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है, और साथ में आपको 4230 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि काफी अच्छी बैटरी बैकअप दे देता है, और साथ में आपको 6.22 इंच की ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देने वाले हैं। रियर साइड के बारे में बात करें तो आपको उसमें डुअल रियर कैमरा दिया गया, जिसका प्राइमरी सेंसर है 13MP, जिसमें F1.8 अपर्चर का यूज करा गया, और साथ में 2MP का एक बोके मोड वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा। और 3G प्लस 32GB वाला वेरिएंट का प्राइस होगा 8999 आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगा। और जो हमारा लास्ट नंबर का स्मार्टफोन है उसका नाम है रेडमी नोट 7 प्रो, जो कि काफी अच्छे लुक और डिजाइन के साथ में आने वाला स्मार्टफोन है और प्रीमियम डिजाइन है। आपको उसमें डुअल रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी सेंसर है 48MP, जिसमें सोनी IMX 586 का सेंसर यूज करा गया है, और साथ में आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर देखने को मिलता है, और फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का ड्रॉप नॉच वाला कैमरा दिया गया है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो आपको 6.3 इंच की फुल HD प्लस रेजुलेशन वाली एक IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा,
मिलेगा, साथ में आपको डॉट नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है और आपको उसमें एंड्रॉइड का सपोर्ट जो कि कस्टमाइज करा गया है MIUI 11 के ऊपर। गाइस अब बात कर लीजिए इसके प्रोसेसर के बारे में, तो आपको उसमें देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 का एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है और साथ में आपको उसमें पबजी एक्सपीरियंस काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। आपको उसमें स्मूथनेस बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी, आप पबजी वगैरह बहुत ही आराम से खेल सकते हैं बिना हैंगिंग और लैगिंग इशू के। तो आपको उसमें बैटरी बहुत ही कमाल की देखने को मिलेगी, 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ में आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिलने वाला है। आपको ये स्मार्टफोन एक दिन का बैटरी बैकअप बहुत ही आराम से दे देगा और इसका जो 4GB प्लस 64GB वाले वेरियंट का प्राइस होगा 9999 का आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगा और आपको सारे फोन के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, वहां से जाके आप बाई कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे स्मार्टफोन के वीडियो चाहिए हर रोज तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर आपको मन करे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए और मैं आपको ऐसे धमाके धमाकेदार वीडियो लाता रहूँगा अगर आप कमेंट करेंगे तब। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। We'll be right back.